दोस्तों, कुछ लोग हमें मैसेज सेंड कर देते हैं, उसके बाद तुरंत उसे डिलीट कर देते हैं। मैसेज हमने अभी रीड भी नहीं किया होता और उससे पहले ही डिलीट कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ उसका नोटिफिकेशन रह जाता है। कुछ इस तरह से हमें पता चलता है, हमें हमें कोई मैसेज आया था, लेकिन उस मैसेज में क्या लिखा था वो दिखाई नहीं देते। तो आज मैं आपको दोस्तों एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये डिलीट हुए मैसेज भी रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके दोस्त ने या फिर किसी ने भी आपको मैसेज सेंड करके डिलीट किया और उस मैसेज में क्या लिखा था। तो दोस्तों, उसके लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है टाइमलाइन। प्ले स्टोर में चले जाइए और टाइमलाइन टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को देखिए, इस एप्लीकेशन का आइकॉन देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने तो इसे पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको इस छोटी सी एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में रखिए, इससे आपको पता चलता रहेगा। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप लिखा हुआ है, इसको ओपन कर देता हूँ। इसमें नोटिफिकेशन मिलेंगे दोस्तों, जो भी मैसेज हमें व्हाट्सएप पे आते हैं उसके नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैसेज उसमें डिलीट किए गए थे वो इसमें पड़े रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तरलोचन, वहाँ पे तरलोचन ने ही मैसेज सेंड किए थे और डिलीट किए थे। जहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कैसे हो। और भी मैसेज थे, 4-5 मैसेज थे, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैसे हो, यहाँ तीसरे मैसेज में भी और चौथे में हाय लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपके दोस्त ने क्या लिखा था। तो आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।